बताएंगे कि लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों को प्रसन्न रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। परंपरागत परंपराएं और नियम जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बताई हैं, वो आज भी कई घरों में उनका नियम पूर्वक पालन होता है। ये परंपराएं हमारे जीवन में आज भी उतनी ही फलदायी हैं, लेकिन आज के इस दौर में आपाधापी में हम इनको भूलते चले जा रहे हैं। पहले घर में एक आंगन या चौपाल हुआ करता था, जहां रोज शाम को घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, बैठकर बातें करते थे और हमें अपनी पुरानी परंपराओं से हमें अवगत कराते थे। आज पारिवारिक विघटन के कारण हम उनसे दूर होते जा रहे हैं और उनके द्वारा बताए गए सन्मार्ग और परंपराओं से विहीन हो रहे हैं। पैसा अर्जित तो कर लेते हैं, लेकिन क्या आप उसका पूर्ण लाभ और संतुष्टि ले रहे हैं? आता तो खूब है, लेकिन जाने का रास्ता पहले ही बना हुआ रहता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा और अन्नपूर्णा की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, तो आप वो उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देर रात तक जागते हैं, इसलिए सुबह आपकी नींद नहीं खुलती है, जबकि ये बीमारियों के साथ साथ आपको आलसी भी बना देती है। प्रातःकाल की मधुर वेला के चलते चलने वाली जो पवन है, उससे आप दूर हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आपकी दिनों दिन उम्र घटती जा रही है, इसलिए सुबह उठने की आदत डालें, कुछ देर टहलें और हो सके तो घर में भजन या देवी देवताओं का भजन इत्यादि सुने, न कि टीवी पे उठपटांग गाने सुनना शुरू कर दें। सुबह सुबह कानों से सुना हुआ मंत्र या भजन आपकी प्रवृत्ति को निर्मल बनाता है और बुरे विचारों से मुक्ति होती है। सुबह उठने से सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। बिस्तर से नीचे भूमि पर पैर रखने से पहले धरती माता से पैर लगाने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधान है। धरती हमारी मां है, जो हमारा सब कुछ वहन करते हुए भी हमें सब कुछ प्रदान करती है। सुबह सुबह घर की महिलाएं जब भी सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगाए, तो ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को छिपा कर रखें, झाड़ू को कभी भी खड़ा न रखें, ना ही झाड़ू के ऊपर से निकले। झाड़ू के बारे में जो लोग इन बातों का पालन नहीं करते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा उनसे दूर होती है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब यह घर की गंदगी धूल मिट्टी साफ करती है, तो इसका मतलब यही है कि देवी महालक्ष्मी हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकाल देती है। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नजरों से दूर रखें। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक नियत स्थान बनाने की बजाय कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे आय और व्यय में असंतुलन बना रहता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को आप कभी भी भूल कर न जलाएं, वरना मां लक्ष्मी की कृपा आपसे रूठ जाएगी। झाड़ू लगाने के बाद जो महिलाएं घर में पोछा लगाती हैं, उनको पानी में सेंधा नमक मिला लेना चाहिए, फिर आप पोछा लगाएं। ये एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। प्रतिदिन घर के पुरुष या महिलाओं को सुबह सुबह 8 बजे से पहले पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके नित्य की पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। भूमि पर बैठकर पूजन नहीं करें। जब भी पूजन करें, अपने नीचे आसन अवश्य बिछाएं, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा भूमि में प्रवेश न करे। ध्यान से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भूमि में समाहित हो जाती है। आसन यदि कुशका हो तो उत्तम है। कुशका आसन कभी भी अपवित्र नहीं होता है। आप पूजन करते समय साथ में जल का एक कलश भर कर रखें। कलश का भी विधिवत पूजन करें। देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ ही कलश पूजन करने पर आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। पूजन करते समय ध्यान रखें कि आरती या दीपक या अगरबत्ती, माचिस की तिल्ली, मोमबत्ती आदि अग्नि से संबंधित चीजें मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझानी चाहिए। यह अग्नि देवता का अपमान है। जब भी पूजा करें, पूजा में प्रयुक्त होने वाली धूप या हवन सामग्री या अगरबत्ती आदि को
दक्षिण पूर्व दिशा में रखे घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। स्वास्तिक बुरी नजरों से बचाने के साथ साथ ही श्री गणेश और सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सी चीजों को मानने से इनकार किया है, लेकिन तर्क और वितर्क से कुछ बातों को नकारा नहीं जा सकता है। लोग घरों में जूते चप्पल को अव्यवस्थित रूप से इधर उधर रखते हैं, जबकि हमेशा उनको व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, वहां अशांति का वास होता है। दक्षिण के लोग जूते चप्पल को कमरे से बाहर भी व्यवस्थित रूप से रखते हैं। वैज्ञानिक कारण भी है, बाहर की धूल मिट्टी और बैक्टीरिया आदि बाहर ही रखना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी नहीं होता है। फैशन के दौर में लोग बेड पे खाने लगे हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहता हूं कि सैया को स्वासन माना जाता है, इसलिए चारपाई या बिस्तर पे खाना अन्नपूर्णा का अपमान है। आगे चलकर आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, बुरे स्वप्न या नींद में कमी हो सकती है। भोजन भूमि पे जब भी करेंगे मन प्रसन्न रहेगा। आप सिर्फ एक माह करके देखें क्या आनंद मिलेगा और कितनी आत्मिक शांति मिलेगी, रोग मुक्ति भी। भोजन को एक पट्टे के ऊपर रख के भोजन करें, इससे अन्नपूर्णा का सम्मान होता है और घर में बरकत होती है। घर की महिलाएं जब भी सुबह शाम रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। जिन घरों में हर रोज यह काम किया जाता है वहां देवी देवताओं के साथ ही पितर देवता की भी कृपा बनी रहती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में अगर कहीं भी किसी भी कोने में मकड़ी के जाले, गंदगी या धूल मिट्टी है तो कृपया करके तुरंत हटाएं, वरना घर की समृद्धि नहीं रहेगी और आपको पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होगा। हर रोज सुबह सुबह सूर्य की किरणें घर में आती हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा होने पर घर के कई वास्तु दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से ही माँ लक्ष्मी एवं माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में होगा और सुख शांति का आगमन 100% होगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो धन्यवाद।